अब ये भी कोई पूछने की बात है, कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या बोलता है साहेब, क्या क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह सिकुआ। पुष्पा अर्जुन की सुपर हिट फिल्म पुष्पा के बाद पुष्पा 2 की शूटिंग काफ़ी पहले ही शुरू हो गई है और यह फिल्म इंडिया के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी रिलीज होगी। पुष्पा 2 को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पुष्पा 2 इसी साल यानी 2023 में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। इस फिल्म के बिगिन स्टार फहद फाजिल, जो इस फिल्म के काफी अहम किरदार है, वो पुष्पा 2 में भी उसी किरदार में दिखाई देंगे। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी अपनी उसी अंदाज में दिखाई देंगे, क्योंकि पुष्पा 2 की शुरुआत वहीं से होगी जहां से पुष्पा 1 मूवी की खत्म हुई थी। थ्योरी ये भी है कि पुष्पा 2 में एक नए और अहम किरदार की भी एंट्री होगी, जिसका नाम विजय सेतुपति है। और ये विजय सेतुपति पुष्पा 2 में पॉलिटिशियन के रूप में दिखाई देंगे, जो अल्लू अर्जुन के बढ़ते तरक्की को रोकने के लिए फहद फाजिल से हाथ मिलाएंगे। हमें पुष्पा 2 में भी एक बेहतरीन आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा, जिसमें मेन लीड में तमन्ना होगी। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के लिए काफी एक्साइटेड थे, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इसका बजट 350 से 400 करोड़ तक का होगा, जिसमें से 200 करोड़ फिल्म के एक्टर डायरेक्टर को फीस के रूप में, तो बाकी 200 करोड़ फिल्म के प्रोडक्शन में लगेगा। और साथ ही हमें इस मूवी में तगड़ा एक्शन और स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा। साथ ही इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।